हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आज UK SSC का एक नोटिफिकेशन आया था और जिन भी लोगों का फॉरेस्टर का फिजिकल एग्जाम है उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर रिलीज़ हो चुके हैं, यानी कि आपका 28 और 29 जून को फिजिकल होना है 1 दरोगा भर्ती का, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट इसमें भाग लेंगे, जो भी क्वालिफाई किए थे रिटर्न एग्जाम में, उन सभी से मैं निवेदन करूँगा आराम से इस फिजिकल को आप क्लियर करना। 4 घंटे में आपने अपनी दौड़ को पूरा करना है, भले आप चलकर जाएं, पैदल जाएं, दौड़ के जाएं, कैसे भी करें, आपने अपने टारगेट को 4 घंटे में पूरा करना है। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू दौड़ के ही करना है, कैसे भी करके टाइमिंग के अंतर्गत आपने अपना जो टारगेट है गर्ल्स का 14 एंड बॉयज़ का 25 किलोमीटर आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, लास्ट वीकेंड पे टेस्ट सीरीज जो हमारी थी ये आ नहीं पाई थी थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को, क्योंकि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है, मॉनसून आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मौसम में रहा, जिससे कफ एंड कोल्ड हुआ और मैं सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लाइव सेशन भी नहीं दे पाया, इतना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा था, फीवर हो रहा था, ठीक है। आज भी देखिए थोड़ा स्थिति ठीक है, बट फिर भी कफ तो काफ़ी ज़्यादा है, बट क्लास देने की कंडीशन है, इसलिए आज हमने कंटिन्यू कर दिया। आज देखेंगे उत्तराखंड GK टेस्ट 113, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, आज भी बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा, हर सेशन में बोलूँगा, जो बंदा दिल से, अपने मन से, ठीक है, तन मन से जो इस सीरीज़ को फॉलो करेगा, उत्तराखंड GK टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और सामान्य अध्ययन टेस्ट, इन तीनों टेस्ट सीरीज़ों को भी कंटिन्यू फॉलो करके वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, बशर्ते उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होने चाहिए उत्तराखंड के GSK और हिंदी के, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 200%। तो आप लोग इन टेस्ट सीरीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमेशा इनको फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे, थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, काफ़ी अलग से क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेंगे, यही हमारी विशेषता है। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूँ यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और UK SSC के पैटर्न को देखते हो, जैसे वो क्वेश्चन उठाता है फैक्ट वाले, डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आज है उत्तराखंड GK टेस्ट 113, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए आंसर दीजिए, कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, कीड़ा जड़ी जानते नहीं जानते इसके बारे में? देखिए जो कीड़ा जड़ी होती है ना, ये एक प्रकार का मशरूम होता है, फंगस मशरूम होता है, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको देखिए, इसको बोलते हैं आपका हिमालयन वाइग्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिमालयन वाइग्रा, ठीक है। बहुत भारी डिमांड है इसकी चाइना और हर जगह पे, और मेडिसिन का काम करती है ये एक हिसाब से कैटरपिलर और फंगस का मिक्सर होता है और इससे ये कीड़ा जड़ी बनती है। इसको देखिए तिब्बत में बोला जाता है यारसा गम्बू, ठीक है। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? यारसा गम्बू, ठीक है। वैसे तो IUCN ने अब इसको रेड लिस्ट में डाल दिया, काफ़ी अपार दोहन हुआ है इसका, तो हिमालयी क्षेत्रों में इसकी जो उत्पादकता है वो भी घट चुकी है। और इसके अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो कीड़ा जड़ी को बोला जाता है ओफियोकार्डिसेप्स साइनेसिस, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ओफियोकार्डिसेप्स साइनेसिस, ठीक है। अच्छे से याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसी भी एग्जाम में आने के। अभी आप लोअर PCS का एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, अपर PCS का देंगे मेंस का, वहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, खासकर अपर PCS में 2 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है आपका 20 वर्ड्स वाला, उसमें बन सकता है। यारसा गम्बू क्या है इसका मतलब, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। तो ये उच्च हिमालय में होने वाला एक कैटरपिलर और उसका मिक्सर होता है, फंगस होता है, मशरूम होता है, और इसका दोहन किया जाता है दवाइयाँ बनाने के लिए, और इसको हिमालयन वाइग्रा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिब्बत में इसका नाम यारसा गम्बू है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूच नामक आभूषण किस जनजाति की महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सूच नामक आभूषण, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको UK SSC मांगता है एग्जाम में या देता है, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो देखिए सूच नामक जो आभूषण होता है ना, ये एक चेन टाइप की होती है चेन, और बीच में जो होता है ना, इसमें पान का पत्ता जैसा बना होता है, पान का पत्ता आपने देखा होगा जिन्होंने पान खाया है, मीठा पान, तो पान के पत्ते नुमा आपका एक चेन होती है ये, और ये जौनसारी महिलाएं धारण करती है इसको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जौनसारी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कहीं से भी बन सकता है, उत्तराखंड का जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके सभी फैक्ट और जितने भी आपके बेसिक जो यहाँ पे हमारे फोक डांस हैं, इसके साथ साथ हमारे
जितने भी हमारे आभूषण हैं इसके साथ साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बहुत सी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। आज मैंने NIOS की बुक्स का रेफरेंस लिया है। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं इस सेशन में। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का प्रत्यावेदन करते हैं ना, लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, UK SSC की परीक्षा हो, वहाँ पर केवल और केवल किन बुक्स का रेफरेंस जो मान्यता प्राप्त होते हैं वो होते हैं NCERT की बुक्स को आप लगा सकते हैं वहाँ पे प्रत्यावेदन में साक्ष्य को। दूसरा आप NIOS की किताब को लगा सकते हैं। NIOS सभी लोग जानते होंगे ना, हाई स्कूल और इंटर करते हैं जहाँ से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। इसके अलावा देखिए UOU यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटीज की जो बुक्स हैं, ठीक है, ऑफिशियल जो भी है, या कुमाऊं यूनिवर्सिटी की, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो भी डेटा वाली बुक्स हैं, केवल जो ऑथेंटिक UGC या गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो हमारा सिलेबस होता है उसी को अप्रूव करता है आयोग। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। बाजार में जैसे पॉल्टी बाई लक्ष्मीकांत को भी रेफरेंस में नहीं लेगा आयोग। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की कोई बुक भेजते हैं उससे सेम क्वेश्चन का रेफरेंस भेजेंगे तो वो ज़्यादा मान्य होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए ये जो क्वेश्चन निकाले गए इन्हीं किताबों से आपको दिए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं ना रावल, ये आपके होते हैं कौन से क्षेत्र के? मालाबार यानी कि केरल साइड के होते हैं। केरल का जो तट है ना पश्चिमी तट, वो तो कहलाता है मालाबार तट, ठीक है। देखिए कन्फ्यूज करने के लिए मालाबार दे दिया। बाकी मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर जो रेफरेंस मानता है आयोग, इसके साथ साथ जो हमारी PIB होती है, इसके साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, गवर्नमेंट के भी जो हमारे डॉक्यूमेंट आते हैं ना सर्वेक्षण वाले, वो भी मान्य होते हैं, ठीक है। स्टैटिक कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया वहाँ पे भी मान्य होते हैं साक्ष्य। इसके अलावा आउटसाइडेड या प्राइवेट किताबें या जो भी बड़े पब्लिकेशंस की बुक्स हैं ये कभी भी ऑथराइज नहीं करता है आयोग, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ओके। चलिए गढ़वाल का हातिमताई किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बना था आई थिंक किसी एग्जाम में। हातिमताई आपने देखा होगा बचपन में, कितने लोगों ने हातिमताई देखा है कमेंट करो तो एक बार। स्टार उत्सव या स्टार प्लस में ये नाटक आता था मुझे याद है, नए नए डिश TV का जब शुरुआत हुई थी हमने भी घर पे लगाया था, मैं भी काफ़ी फ़ैन था इस नाटक का, ठीक है। 90s के जो किड्स हैं उनका बहुत फेमस पॉपुलर बोल सकते हैं फेवरेट नाटक था हातिमताई। हातिम जाता है ना उसमें, उसके साथ वो जो आजकल कपिल शर्मा की शो में मोटू आता है, वो मोटू उसके साथ होता है उसमें, तो वो 7 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जाता है, ऐसी कुछ कहानी थी। 7 सवालों का जवाब ढूंढते हैं ना, तो ऐसे ही गढ़वाल में भी एक व्यक्ति है जिसकी तुलना हातिमताई से की जाती है, यानी कि इसी तरह की इनकी भी जीवन यात्रा है, पूरा कहानी रही है, और इनका नाम है कुंवर से नेगी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कुंवर से नेगी, ठीक है। बचपन के दिन बड़े याद आते हैं। अगला देखिए गढ़वाल राइफल्स से संबंधित युद्ध घोष क्या है? तो देखिए सभी रेजिमेंट का अपना अपना युद्ध घोष होता है, ठीक है। तो जैसे गढ़वाल राइफल्स का अपना है, गोरखा रेजिमेंट का अपना होता है, कुमाऊं रेजिमेंट का अलग है। तो देखिए यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का पूछा जा रहा है, तो गढ़वाल राइफल्स का जो जय घोष है वो है आपका जय बद्री विशाल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कुमाऊं रेजिमेंट KRC और साथ ही जो हमारे गोरखा रेजिमेंट है इनके युद्ध घोष क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स करके हमारी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 135 भाग तक मैंने अपलोड किया अपने हैंड जो नोट्स होते हैं उनको, उसमें मैंने ये सब बातें बताई। जिसने वो फॉलो किया उसकी उत्तराखंड वैसे ही क्लियर हो गई, उसको उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल में मैंने आपका डिस्क्राइब किया है। तो जय बद्री विशाल बोलते हैं गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में पहले अल्मोड़ा में स्थापित होते हैं, बाद में इसका मुख्यालय कालों का डांडा यानी कि वर्तमान लैंसडाउन में स्थापित किया जाता है। पूरी कहानी मैंने आपको बताया ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में, आप देख लेना, सीरीज फ्री है यूट्यूब पर भी, बाकी अन्य ई बुक्स में भी आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी देखिए दोस्तों अभी मिशन जो अग्निपथ आया है, अग्निपथ को लेकर बहुत ज़्यादा युवाओं में आक्रोश है, अग्निवीर वाला जो स्कीम लाई है गवर्नमेंट, ठीक है। आपकी इस पर क्या राय है, थोड़ा आप इस पर मुझे भी दीजिए ताकि एक वीडियो मैं भी इस पर प्रेजेंट करूं। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये योजना कहीं ना कहीं ठीक है। आज जैसे एक युवा को इंटर करते ही सोचना पड़ता है कि क्या करूँगा मैं आगे, उसको देखते हुए 4 साल का जो है, बहुत से लोग क्या होता है कि फोर्स में सेवा करना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहते, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, देखा जाए तो एक मिला जुला संयोग है ये। बट फिर भी आप अपने अपने देखो, क्योंकि उत्तराखंड है वीरों की भूमि है, कुमाऊं गढ़वाल की मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा फौजी यहीं से जाते हैं, आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करना है आपका क्या राय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो नैनीताल का जो सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आयोग ने पूछा है। पहली बार जब ये क्वेश्चन पूछा था तो सबका
दिमाग का भूस्खलन हो गया था एग्जाम में जो बैठे उत्तराखंड के बच्चे, कहाँ से पूछ गया। और ये घटना थी वीडियो का पेपर 2018 वाला, वहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हुए थे अदर बुक से, यशवंत सिंह कटोचे, अजय रावत जी की बुक से, उत्तराखंडी ज्ञानकोश से। तब तक लोग परीक्षा मांगे और बिन सर के भरोसे बैठे थे, लेकिन आज उत्तराखंड की कितनी भी किताबें पढ़ लो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टपक जाता है। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। परीक्षा मांगे, अजय रावत जी, बिन सर की बुक या उत्तराखंड समग्र अध्ययन, बस इतनी किताबें पढ़ो, बाकी हमारी सीरीजें देखो, कोई भी ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खूब रिविजन करो, परीक्षा मांगेगा ओनली, ओके। तो ब्रिटिश काल में जो भयंकर भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ था, 1880 में हुआ था, 18 सितंबर 1880, ठीक है। उसमें कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। कौन था? हेनरी रैमजे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमोली स्थित बैराज कुंड किससे संबंधित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रहा हूँ सभी को पता है, लेकिन UK SSSC की तरह मैंने थोड़ा आपको यहाँ पे क्या दे दिया, पाँचवा गियर दे दिया, ठीक है। सीधे फर्स्ट गियर से पाँचवा गियर, झटका तो लगेगा ही लगेगा ना। बताइए चमोली का जो बैराज कुंड है ये संबंधित है हमारा दशानन से, दशानन यानी कि रावण से, ठीक है। रावण की तप स्थली है बैराज कुंड में। अब रावण का नाम इनमें से कौन सा होगा भैया, ये बताना आपने, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, दैत्येंद्र। रावण का जो पर्यायवाची है वो दैत्येंद्र भी है, रावण को दैत्येंद्र। दशानन, दशकंद, ये बहुत से नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन UK SSSC भी घुमाता है। मैं कभी नहीं बोलूँगा उत्तराखंड के हज़ारों के, माफ़ कीजिएगा, 10 किताबें पढ़ो, मैं कभी नहीं बोलूँगा 10 लोगों के नोट्स पकड़ो, मैं कभी नहीं बोलूँगा 10 यूट्यूब चैनल देखो, अपना फेवरेट सुन लो कोई भी, लेकिन UK SSSC क्वेश्चन बनाता है परीक्षा मांगे से ही, उत्तराखंड समग्र अध्ययन से ही, और अजय रावत जी से ही, बस इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा बुक्स का रेफरेंस नहीं है UK SSSC के पास भी, लोग ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। बस क्वेश्चनों की जो पूछने की शैली और भाषा है ना, ऐसे ही कन्वर्ट कर देगा, पढ़ा हुआ भी आप भूल जाएंगे। मैं परीक्षा मांगे से ही लगभग 500 प्रश्न ऐसे बना सकता हूँ जिसमें आप गच्चा खा जाएंगे, ठीक है। थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो मैं ऐसे प्रश्न लाऊंगा आपके लिए, आप खुद बोलेंगे कि वाओ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप इंतजार कीजिए, तो आंसर हो जाएगा इसका रावण। ऑप्शन में रावण आएगा तो रावण, पर्यायवाची याद रखना दैत्येंद्र। मुंड और सबर नाम से जाने जाने वाली प्राचीन जाति कौन सी है? तो देखिए उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जाति है, इसमें भी थोड़ा मतभेद है इतिहासकारों में। कुछ बोलते हैं भाई किरात सबसे प्राचीन है, कुछ बोलते हैं कोल सबसे प्राचीन है। अब हम UK SSSC के पास गए, UK SSSC ने जो भी एग्जाम कराई पुराने उसमें बोला भैया कोल, किरात उरात हम नहीं मानते, कोल मानेंगे हम। तो कोल जो है इसी को मुंड और सबर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है, नॉट ट्राइब ओनली कास्ट, ये केवल जाति की बात हो रही है, जनजाति की बात नहीं। अगर यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी, फिर आंसर हो जाएगा भोटिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ऐसे ही घूमता है, छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रुकवा देती है, और उत्तराखंड में मोस्टली सिलेक्शन 0.25, 0.50 एक नंबर से रुकते हैं, इससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं रुकता पढ़ने वाले का कभी भी, बहुत लंबा मार्जिन नहीं होता है, लंबे मार्जिन वालों का सेकंड अटैम्प्ट में हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रटने होंगे, ग्रुप सी का एग्जाम निकालना है तो ये भी ध्यान रखना। यही है ना, देखो कफ एंड कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा था वीकेंड में, जो 3 क्लासेस मिस हुई मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उसका खुद ही, क्योंकि अच्छा रूटीन चल रहा था इस बार, क्लासेस मिस नहीं हुई थी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ 1982 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन ही बनेगा कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर है कब बना, तो नंदा देवी बायोस्फीयर 1988, दोनों में अंतर है, राष्ट्रीय उद्यान में और बायोस्फीयर में, और 1982 सही है। किस राजवंश की तुलना राम राज्य से की जाती है? देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आप जो पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा वो सही आंसर दे देंगे इसका। राम राज्य यानी कि धर्म राज्य की बात हो रही है, ठीक है। राम राज्य का मतलब क्या है? धर्म राज्य, ऐसा शासन जिसके टाइम पीरियड पे धर्म और प्रजा सर्वोपरि थी, यानी कि प्रजा ही सब कुछ थी। आजकल का जैसा थोड़े पहले वोट मांगने आता है नेता, फिर खुद दादागिरी दिखाता जीतने के बाद, वो टाइम नहीं था। उस समय राजा प्रजा को ही सर्वे सर्वा मानता था, और ये जो शासन चला था ये टाइम पीरियड था, इसको उत्तराखंड का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, यानी कि कत्यूरी शासनकाल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, कत्यूरी राजवंश को राम राज्य या धर्म राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी बात करेंगे इस पर डिटेल में। उत्तरवर्ती किस पवार राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो उत्तरवर्ती कौन सा पवार राजा था जिसने अपने नाम से सबसे पहले शहर की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर डिटेल में ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे समझ के तो आंसर बहुत सिंपल है, अगर फंस गए हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रताप शाह, ठीक है। उत्तरवर्ती में जो पहले हमारे राजा आएंगे
ठीक है, इनका नाम है प्रताप शाह। प्रताप शाह ने सबसे पहले अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना की। उत्तरवर्ती की बात हो रही है ना, यानी कि टिहरी रियासत की बात हो रही है, तो प्रताप नगर की स्थापना हुई। वैसे तो देखा जाए पृथ्वीपति शाह ने भी हमारा करणपुर का जो कर्णावती के नाम पे वो करणपुर मोहल्ला बसाया था, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन बना था, बट वो हमारा क्या हो जाएगा अग्र जो हमारा वंश था या पूर्ववर्ती जो वंश आया था उसकी बात कर रहे हैं हम, लेकिन उत्तरवर्ती में टिहरी रियासत की बात हो रही है। तो पहले प्रताप नगर बनता है, प्रताप नगर के बाद आपने ध्यान देखा फिर कीर्ति नगर बनता है, नरेंद्र नगर भी नरेंद्र शाह बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ये दौर चला था। तो प्रताप नगर, अब मेरे को आप कमेंट करेंगे टिहरी रियासत वाली मैंने एक सिंपल सिंगल वीडियो दी है, पूरी बोल सकते हैं महाकुंभ वीडियो है टिहरी रियासत पे, पूरी एक ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने पता है प्रताप नगर की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करेंगे आप लोग। अब सब मैं आपको फैक्ट नहीं बताऊंगा, थोड़ा आप लोग भी यहाँ पर मेहनत करेंगे। उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME का शीर्ष निकाय कौन सा है? देखिए जो हमारे MSME है उत्तराखंड के, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो हमारे उद्योग होते हैं, ठीक है, तो इसका जो शीर्ष निकाय होता है मतलब सबसे बड़ी बॉडी होती है इनको कंट्रोल करने वाली या देख रेख करने वाली, उसको कौन करता है ये पूछ रहा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बना था आई थिंक किसी एग्जाम में बना हुआ है, उत्तराखंड में जो MSME है इसका शीर्ष निकाय कौन सा है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो इसका जो सबसे बड़ी बॉडी होती है उसको बोलते हैं ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, ठीक है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, सिटकुल देगा कभी आप लोग सिटकुल कर देंगे, सिटकुल में बड़े उद्योग हैं ज़्यादातर, ठीक है, और सिटकुल कितनी जगह उत्तराखंड में फैला हुआ, सिटकुल से भी क्वेश्चन बनता है, सिटकुल किसकी देन है ये भी क्वेश्चन बन जाता है, सिटकुल देन है हमारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की, ठीक है, उनको श्रेय जाता है सिटकुल को उत्तराखंड में स्थापित करने का। और सिटकुल का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तराई को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का ये क्वेश्चन है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, उत्तरार्ध का मतलब समझते हैं, 19वीं सदी जब चल रही थी तो उत्तरार्ध का मतलब होता है 1850 से लेकर 1900 के बीच का समय, ये हो गया 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि 1851 से 1899 तक मान लो। इसमें जो हमारा तराई का आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है वो जाता है हेनरी रैमजे को, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है, हेनरी रैमजे इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था तराई का जो सबसे ज़्यादा विकास किया था वो किसने किया था, हेनरी रैमजे ने, इसलिए हेनरी रैमजे को भाभर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाया था, भाभर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, हेनरी रैमजे को। ओके, तो ये रैमजे ने यहाँ पे बहुत से लोगों को बसाया, लैंड दिए, इसके साथ साथ यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम था उसको डेवलप किया, इसके साथ साथ इसने दो तीन यहाँ पे ट्रस्ट स्थापित किए ताकि फंडिंग हो पाए किसानों को, साथ ही यहाँ पे जो महामारी फैलती थी हैजा मलेरिया उसके उन्मूलन के लिए बहुत से प्रयास किए गए, पैसे खर्च किए गए, लोगों को प्रलोभन दिया गया, तभी तो तराई के लोग भी इस क्षेत्र में आए ना, बाहर के लोग बसे। आज भी तराई क्षेत्र में आप देखेंगे तो बाहर के बहुत लोग हैं, बंगाली, ओडिया, बिहारी, हर राजस्थान हर जगह से आपको इंसान मिलेंगे वहाँ पे बसे हुए। तो ये सब रीज़न था उस समय तराई को आबाद करने का, इकोनॉमिक जो आर्थिक जो डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, और जितना भी इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, ये सब काम किया था ज़्यादा किसने, हेनरी रैमजे ने, किंग ऑफ कुमाऊं। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक गांव में पांडव चौरा किस जनजाति की विशेषता है? देखिए कैसा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें प्रत्येक गांव में एक पांडव चौरा होता है, चौरा का मतलब चबूतरा, पांडवों को समर्पित एक चबूतरा देखने को मिलेगा आपको जौनसार बावर में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जौनसारी, क्योंकि जौनसारी जो है खुद को ये पांडव का वंशज मानते हैं, पांडवों को बहुत मानते हैं जौनसारी लोग, ठीक है, और हर गांव में एक पांडव चौरा दिखेगा, कुछ भी स्पेशल चीज़ें होंगी जो जौनसार समुदाय की वहीं पर ज़्यादा करी जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है आपने। और जौनसारी जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो महासू देवता हैं, ठीक है, महाशिव। इनमें से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र 3 जनपदों में विस्तृत है, बताइए कौन सा जैव विविधता वाला क्षेत्र है दिए गए विकल्पों में जो 3 जनपदों में फैला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा बायोडाइवर्सिटी वाला प्लेस है जो 3 जनपदों में फैला हुआ है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है ये
हमारी ये बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं, राजा जी पार्क बोले या हम नंदा देवी बायोस्फीयर बोले, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर फैला है आपका चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, तीन जनपदों में फैला हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर स्थापित हुआ था 1988 में। इसके अंतर्गत नंदा देवी पार्क, फूलों की घाटी का पूरा एरिया आ जाता है, ठीक है। जबकि नंदा देवी पार्क 1982, इस चीज़ को समझना आपने, बायोस्फीयर बना था 1988 में, चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़ में फैला। वैसे ही राजा जी नेशनल पार्क, ये भी हमारा तीन जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार एंड पौड़ी में, ठीक है। तो ये सभी जो है हमारे ये बायोडाइवर्सिटी वाले प्लेस हैं दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित है? तो केदारखंड देखिए, गोपेश्वर को बोला गया जो चमोली का गोपेश्वर है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदार स्कंद पुराण में केदारखंड बोला गया, और कुमाऊं के जो क्षेत्र हैं उनके लिए मानस खंड बोला गया, और गोपेश्वर को केदारखंड में बोला गया गोस्थल, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ठीक है। गोथला भी बोला गया, हाँ ध्यान रखेंगे, गोथला या गोस्थल, गोथला या गोस्थल बोला गया, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि सुगंधित पादप शोध संस्थान, यानी कि जो भी हमारे सेंट देने वाले पौधे होते हैं ना, उनका रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर है सेलाकुई, देहरादून, सेलाकुई में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैं दावा कर सकता हूँ पहली बार देखा होगा बहुत से लोगों ने, आज कुछ क्वेश्चन पहली बार देखे होंगे बहुत से लोगों ने, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो खासकर, ब्रिटिश काल में टिम्बर पड़ाव नामक बाजार कहाँ स्थित था? अब कुछ लोग बोलेंगे यार ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं, तुम खाली बेकार में हमारा टाइम वेस्ट करते हो, तो लास्ट टाइम मुझे बता दो किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, इस लाल कुर्ती बाजार का क्या महत्व है मुझे ये बताइए आप लोग। लाल कुर्ती बाजार पूछ लिया था डायरेक्ट, रानीखेत में लाल कुर्ती बाजार, ऐसे ही टिम्बर पड़ाव तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था इस लाल कुर्ती बाजार से, तो टिम्बर पड़ाव के आने के चांसेस ज़्यादा है नेक्स्ट एग्जाम में। आयोग के पास भी तो कुछ क्वेश्चन नए होने चाहिए ना, आयोग यही तो करता है हर एग्जाम, आप उठाकर देख लो उत्तराखंड के 40 में से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट किताबों से मिल जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आयोग हर बार नई किताबों से उठाता है, और यही पैटर्न मैं भी फॉलो करता हूँ। अगर ये बैठ गया तो कोई एग्जाम आपका 40 में से 40 हो जाएगा उत्तराखंड जीके का, मान के चलो, इसलिए मेरे पे भरोसा करो और लोगों की बातों में ना आए, ठीक है। टिम्बर पड़ाव क्यों फेमस था? देखिए ध्यान रखेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र का जो मेन लकड़ियों का गोदाम था वो था काठ गोदाम, जहाँ पर सबसे पहले ट्रेन आती है 1884 में, काठ गोदाम, ठीक है, 1884 में। अब काठ गोदाम और हल्द्वानी जो उस समय का तत्कालीन था एक बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी थी। व्यापारिक मंडी का मतलब होता है जैसे आज सब्जी मंडी भी हल्द्वानी में सबसे बड़ी है, देखते होंगे आप, वैसे उसमें व्यापार के लिए, क्योंकि कुमाऊं जोन से लगा हुआ और गढ़वाल जोन से लगा हुआ एक मुख्य बोल सकते हैं प्लेन एरिया हल्द्वानी, तो व्यापारिक मंडी में साथ साथ हमारे जो उसमें टिम्बर का मतलब, टिम्बर का मतलब होता है जो इमारती लकड़ी होती है, इमारत बनाने में जो लकड़ी यूज होती है, जैसे मेज बनाने हैं, दरवाजे के चौखट हैं, दरवाजे खिड़कियाँ, जो भी चीज़ें घर में लगती हैं लकड़ी की, उस प्रयुक्त होने की लकड़ी को टिम्बर लकड़ी कहा जाता है। जैसे साल की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी, टून की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, देवदार भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो ये टिम्बर कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टिम्बर पड़ाव था वो हल्द्वानी में ही स्थित था ब्रिटिश काल में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी में था टिम्बर पड़ाव, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हल्द्वानी में बहुत से पड़ाव हैं, जैसे कि गोरा पड़ाव, गोरा पड़ाव क्या, क्योंकि विलियम ट्रेल ने वहाँ पे बोला था कि टेंट लगाया था, कैंपिंग की थी जाते हुए, तो वहीं पे धीरे धीरे बस्ती बसनी शुरू हो गई, तो गोरा पड़ाव नाम देते क्योंकि गोरा रुका अंग्रेज। ऐसे हल्द्वानी में भोटिया पड़ाव, आप देखिए भोटिया तिब्बत से माल लाते थे, अब बेचेंगे कहाँ भाई, तिब्बत खाली माल लाने थोड़ी जाते थे वो अपने गाँव से, तिब्बत से माल लेकर वो आते थे नीचे तराई हल्द्वानी में, और जहाँ पर वो अपना लेन देन करते थे बाहर के आए हुए व्यापारियों से तिब्बत की चीज़ों का, अपना पड़ाव जहाँ पर हल्द्वानी में भोटिया लोगों ने डाला था उसको आज भोटिया पड़ाव कहा जाता है, आज भी हल्द्वानी में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसे हल्द्वानी को हल्द्वानी कहा था विलियम ट्रेल ने, बहुत बड़े फैक्ट जुड़े हुए हैं इन सभी चीज़ों से, तो राइट आंसर है टिम्बर पड़ाव कहाँ था हल्द्वानी में, गोरा पड़ाव, टिम्बर पड़ाव, भोटिया पड़ाव, तीनों पड़ाव कहाँ पर है हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में कारखाना बाजार भी ध्यान देखेंगे, और हल्द्वानी में इसके अलावा कारखाना बाजार के अलावा आपको देखने को मिलेगा रेलवे बाजार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ या कब बना, अस्तित्व में कब आया, तो ये आया था 4 अप्रैल 2016, कई बार बनाए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 4 अप्रैल 2016 को हमारा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है। देखिए लास्ट क्वेश्चन करंट का है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है ये, आजकल का ही क्वेश्चन है मान के चलो, ठीक है। अभी देखिए हमारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई है भारत सरकार की, इस रिपोर्ट में देखिए उत्तराखंड राज्य का बताइए आप कौन सा ऐसा जनपद है जो
सबसे ज्यादा निर्धनता वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा निर्धनता प्रतिशत किस जनपद में, ठीक है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन परसेंटेज में सबसे ज्यादा किस जनपद में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ है 2021-22 का, इसमें अल्मोड़ा, ओवरऑल अल्मोड़ा जो है अल्मोड़ा में सर्वाधिक निर्धनता है। अल्मोड़ा में टोटल पॉपुलेशन का 25% जो जनता है वो निर्धनता है, निर्धनता वाली है, ठीक है। और यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि ग्रामीण निर्धनता सबसे ज़्यादा किस जनपद में है, तो जो रूरल हमारी पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, हरिद्वार में है, ठीक है, हरिद्वार में रूरल पॉवर्टी है 29.55%। और ऐसे अर्बन पॉवर्टी की बात करें, सबसे ज़्यादा नगरीय निर्धनता किस जनपद में है 2021-22 के अनुसार, तो फिर चंपावत में जो अर्बन पॉवर्टी है वो 20.90 है, ठीक है। लेकिन इतना नहीं पूछेगा, फिर भी ये तीनों पॉइंट आपको याद रखिए, ग्रामीण निर्धनता में सबसे ज़्यादा निर्धनता है हरिद्वार में, और शहरी निर्धनता में सबसे ज़्यादा है चंपावत में, ओवरऑल 13 जनपदों में सबसे ज़्यादा निर्धनता पूछता है, केवल ऐसे पूछता है क्वेश्चन, तो फिर अल्मोड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भाई अल्मोड़ा के लिए एक दुखद बात है, संसाधनों की कमी बोल सकते हैं, ज़्यादा माइग्रेशन और कृषि आधारित हमारी इकोनॉमी है, मनी ऑर्डर व्यवस्था है, भाई क्या करें, कोई इनिशिएटिव नहीं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कर्जे में डूबते जा रही है, सोचने वाली बात है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई हमारे उत्तराखंड की, बड़ा दुख लगता है किसी समय। चलिए दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे, जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ लगाएं, बरसात चल रही है अभी यार इनिशिएटिव लें। मैं सभी लोगों से नहीं बोलता, कुछ लोग तो ऐसे वाहियात आंसर करते हैं, बोलते हैं कि हम तो शहरों में रहते हैं पेड़ कहाँ लगाएं। मैं आपसे नहीं बोल रहा, जिन लोगों के पास ऐसे लैंड हैं, जो लोग किसी NGO से जुड़े हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, या किसी स्कूल में जब वृक्षारोपण होता है वहाँ जुड़े हुए हैं, या किसी ग्राम पंचायत में खाली जमीन है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, लोगों को भी अवेयर करें, और अपने आसपास के जितने कम्युनिकेशन में लोग हैं उनको भी बुलाएं ऐसे अवसरों पर, ये बोलता हूँ मैं, ठीक है। अब शहर में रहने वाला तो कहाँ से लगाएगा यार, ऑब्वियस सी बात है कि उसको पास जमीन थोड़ी है अपना अलग पेड़ लगाने की, लेकिन जो लोग पेड़ लगा सकते हैं कम से कम एक तो लगाए, अधिक से अधिक तो आप लगाएं। और अपनी जो भी लोग शादी कर रहे हैं, जिनका वीडियो कनिष्ठ सागिन में हुआ है, सभी लोग मैथी आंदोलन का हिस्सा बने भैया, अपना एक पेड़ लगाएं आप लोग, ठीक है, और उसकी परवरिश भी करें अच्छे से, पेड़ लगाएंगे जीवन बचेगा, पर्यावरण रहेगा तो हम सब रहेंगे, पानी रहेगा, धरती रहेगी, बादल रहेंगे, बारिश रहेगी, हम सबका अस्तित्व रहेगा, चारों तरफ खुशहाली रहेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे, ये सभी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होंगी, तब हम जो पैसा कमाएंगे नौकरी लगने के बाद गवर्नमेंट, उस चीज़ की वैल्यू होगी, अन्यथा हम अपनी लाइफ के लिए जद्दोजहद करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेंगे, मास्क खरीदेंगे, आने वाले समय में एक ऐसा हेलमेट भी ना जाए जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो सभी को ये बातें आप बताइए और अवेयर भी करवाए, कैसे आपको पता चल रहा है, कई राज्यों में देख रहे हो आप पीने के पानी की किल्लतें हो रही, सब चीज़ ग्लोबल वार्मिंग का असर है, इसको कम करने के लिए केवल एक ही उपाय है, सबसे सिंपल, वृक्षारोपण, और वृक्षों का जो अवैध कटान हो रहा है उस पर रोकना, ठीक है। बाकी दोस्तों अपने घर के आसपास और जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, अपने माता पिता गुरुजनों का हमेशा आदर करें, अपने से छोटों को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखें, मौसम चेंज हो रहा है, कफ एंड कोल्ड की प्रबल संभावना है, तो आप लोग अपना भी ख्याल रखें, ठीक है। बाकी जिन लोगों का फॉरेस्टर का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोगों को जिनका ग्रुप सी का एग्जाम होगा आने वाले समय में उनको भी ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपको कल के सेशन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।